नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 अगस्त 2019 पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करने के साथ हमें ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात राज्य में भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके बारे में घोषणा वहाँ के राज्य मंत्री ने की है। अब मुख्य रूप से अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी संस्थान के बारे में बात करें तो भारत में रसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना गुजरात में की जाएगी। गुजरात राज्य की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की है गांधीनगर, राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे और मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं विजय रूपानी। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। कुल जिलों की संख्या है गुजरात में 33। यहाँ का राजकीय पशु है एशियाटिक लायन यानी कि एशियाई शेर। राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। राजकीय पुष्प है गेंदा और राजकीय वृक्ष यहाँ का है आम। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ऑप्शन इसके लिए आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन किया हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये आयोजन किया गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। थीम क्या थी, तो थीम थी अध्यापक शिक्षा की यात्रा स्थानीय से वैश्विक। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है कि 23 अगस्त को पीएम मोदी किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री 23 अगस्त से 25 अगस्त के लिए 2 दिवसों के दौरे पर जाएंगे और ये दोनों देश कौन कौन से हैं। एक तो है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और दूसरा है बहरीन। अब इन दोनों देशों के बारे में बात करें तो ये है पश्चिमी एशिया और ये दोनों देश पश्चिमी एशिया के हैं, इन्हें खाड़ी का देश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा UAE। UAE के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी है आबू धाबी और मुद्रा यहाँ की है दिरहम। इसके अलावा आपको ये जो सागर दिख रहा है यहाँ पर एक छोटा सा द्वीपीय देश मिलेगा जिसका नाम है बहरीन। बहरीन के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है मनामा और यहाँ की मुद्रा है बहरीनी दिनार। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि UAE के द्वारा वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद, इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा जब वे वहां के दौरे पर जाएंगे। तो इसके बारे में घोषणा मुख्य रूप से अप्रैल माह में ही हो गई थी और UAE और भारत के बीच में जो रिश्तों को मजबूत बनाया गया है इसी के लिए नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि भारत और UAE के बीच में जो व्यापार है वह 50 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है और भारत जो कच्चा तेल खरीदता है उसमें से 8% खरीदता है वह UAE से और UAE भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल की आपूर्ति करता है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके अलावा रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, सऊदी अरब का मिल चुका है, पैलेस्टीन का मिल चुका है और मालदीव का मिल चुका है। तो कुल मिलाकर के 5 देशों का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिल चुका है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पारसी समुदाय का नया वर्ष नवरोज कब शुरू हुआ। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 17 अगस्त से पारसी समुदाय का नया वर्ष जिसे हम लोग नवरोज के नाम से जानते हैं ये शुरू हुआ है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है कि पारसी समुदाय के नए वर्ष को क्या कहते हैं, तो इसका मतलब होता है नवरोज का मतलब होता है नया दिन। तो
ये पारसी समुदाय का नया वर्ष होता है, यानी कि इसी दिन से इसका आगाज होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस जीव की दो नई प्रजाति खोजी गई। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ताजी पानी की मछली की दो नई प्रजाति खोजी गई हैं। अब ये दो नई जो प्रजातियां हैं ये अलग अलग स्थानों पे खोजी गई। एक खोजी गई है मिजोरम की कलादान नदी में, इसका नाम है ग्लिप्टोथोरेक्स गोपी। तो ये जो है ये मिजोरम की कलादान नदी में खोजी गई, लंबाई इसकी है 63 mm। और दूसरी जो खोजी गई है वह हिमाचल प्रदेश के सिंबल बारा नदी में खोजी गई है। तो याद रखिएगा ये दोनों ताजे पानी की मछलियां हैं। और अगर हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आता है हमारे पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत। स्थापना इसकी हुई थी 1 जुलाई 1916 को, मुख्यालय इसका है कोलकाता में। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा सर्वत सेहत बीमा योजना शुरू की गई। ऑप्शन इसके लिए आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब राज्य की ये योजना है जिसका नाम है सर्वत सेहत बीमा योजना। तो ये योजना कुछ समय पहले ही शुरू की जा चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि राज्य के 4500 पत्रकारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये जो योजना है भारत सरकार की आयुष्मान योजना से प्रेरित है और इसके अंतर्गत पंजाब में अभी तक 22.5 लाख परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। शुरुआत की बात करें तो ये जो योजना है शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। और इसके बारे में एक चीज़ याद रखना है कि इसमें केंद्र सरकार योगदान देगी 60% का और 40% देगी राज्य सरकार। तो जो आयुष्मान भारत योजना थी जिसके अंतर्गत भारत के 10 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जाना है, प्रत्येक वर्ष उन्हें 5 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा सेकेंडरी और टर्सरी प्रकार के डिसीज के लिए। तो इसमें पंजाब सरकार ने कुछ एडिशनल ऐड कर दिया है, यानी कि बीपीएल कार्ड से ऊपर के लोगों को भी ये सुविधा देंगे। इसके अलावा जो पत्रकार हैं उनको भी ये अपने खर्चे से ये सुविधा देंगे। पंजाब राज्य की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की है चंडीगढ़, राज्यपाल यहाँ के हैं बीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अमरिंदर सिंह। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हाल ही में कांग्रेस के नेता जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया और वह बिहार राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये कांग्रेस के नेता थे और बिहार में इनके निधन पर 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और एक चीज़ याद रखिएगा और कि ये कांग्रेस के आखिरी बिहार के मुख्यमंत्री थे, यानी कि इनके बाद अभी तक कांग्रेस का कोई अन्य मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम कंपनी के नए प्रेसिडेंट कौन बने। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मधुर देवरा पेटीएम कंपनी के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। यहाँ पर 2 नाम आपको और दिख रहे होंगे, एक तो है सतीश कुमार गुप्ता का। तो सतीश कुमार गुप्ता के बारे में अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि ये पेटीएम पेमेंट जो बैंक है उसके MD व CEO है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। और विजय शेखर शर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये मुख्य रूप से संस्थापक है पेटीएम के और इसके CEO भी हैं। और अगर हम लोग मधुर देवरा की बात करें तो ये वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में पेटीएम के लिए कार्य कर रहे थे। पेटीएम की बात करें तो ये मुख्य रूप से एक पेमेंट ऐप है, स्थापना इसकी 2010 में हुई थी और मुख्यालय इसका है नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है कि कपड़ों का प्रतिष्ठित ब्रांड जिसका नाम है रायसेन, तो ये महाराष्ट्र का कपड़ों का एक ब्रांड है, मुख्य रूप से लड़कियों के लिए कपड़े का निर्माण करता है। तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भूमि पेडनेकर को कपड़ों के प्रतिष्ठित ब्रांड रायसेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कैटरीना कैप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रिबोक ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सोनाक्षी सिन्हा को केविन केयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये हैं भूमि पेडनेकर जो कि रायसेन कपड़ों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की
किस राज्य में मछली की 5 नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में मछलियों की 5 नई प्रजाति की खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो राजधानी यहाँ की है ईटानगर, राज्यपाल यहाँ के हैं BD मिश्रा और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पेमा खांडू। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत नेपाल संयुक्त आयोग के 5वें सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त आयोग के 5वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली के बीच में ये सम्मेलन किया जाएगा और इसकी स्थापना हुई थी 1987 को और आयोजन कब होगा 21-22 अगस्त को। तो ये अल्टरनेट आयोजित होता है। पिछले वर्ष भारत में इसका आयोजन हुआ था और इस वर्ष नेपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने एथलेट की मिंटेक रीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद अनस और हीमा दास दोनों ने एथलेट की मिंटेक रीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो दोनों ने जो स्वर्ण पदक जीता है वह 300 मीटर में जीता है। कितने में? 300 मीटर दौड़ में इन्होंने ये पदक जीता है। हीमा दास के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। हीमा दास असम की धाविका हैं और मोहम्मद अनस के बारे में अगर हम बात करें तो ये केरल के खिलाड़ी हैं। अब हीमा दास ने पिछले 1.5 महीनों के अंदर ये इनका 6ठा स्वर्ण पदक है, तो आइए इनके पदकों को एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने 2 जुलाई को जीता था पोज़ान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में, जिसका आयोजन हुआ पोलैंड में और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। दूसरा है कुटनो एथलेटिक्स मीट, जिसका आयोजन हुआ पोलैंड में और यहां पर भी 200 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तीसरा था क्लादनो एथलेटिक्स मीट, जिसका आयोजन हुआ चेक रिपब्लिक में और यहां पर भी इन्होंने 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। चौथा हमारा था टैबोर एथलेटिक्स मीट, जिसका आयोजन हुआ चेक रिपब्लिक में और यहाँ पर भी इन्होंने 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। फिर चेक रिपब्लिक में एक और आयोजन हुआ जिसका नाम है मेस्टोनाड मेटोजी ग्रैंड प्रिक्स, तो यहाँ पर इन्होंने जो पदक जीता था वह 400 मीटर में था। और इसके बाद में ये जो अभी 6ठवां स्वर्ण पदक जीता है ये इन्होंने जीता है एथलेट की मिंटिक रेटर, जिसका आयोजन किया गया चेक रिपब्लिक में ही और यहाँ पर जो पदक है वो 300 मीटर में इन्होंने जीता है। तो लास्ट के जो दो हैं ये इन्होंने 400 और 300 मीटर में जीते हैं और उसके पहले के जो चारों हैं वह इन्होंने 200 मीटर में जीता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है? तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर एक नाम आपको और दिख रहा होगा जिसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया। इसने क्या किया है? राजधानी का नाम बदला है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम था क्या? अस्ताना, और इसे इन्होंने बदल करके नूर सुल्तान कर दिया है। इस्वातिनी मुख्य रूप से अफ्रीका का एक देश है जिसने अपने देश के नाम को बदल दिया है, यानी कि इसका पहले नाम था स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड जो कि दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर आता है, एक लैंड लॉक कंट्री है, और इसका पहले नाम था स्वाजीलैंड, अब इसका नाम बदल करके इस्वातिनी कर दिया गया है। तो आइए इंडोनेशिया को हम लोग मैप में देखते हैं। ये जो पूरा आपको रेड बॉर्डर में पूरा एरिया दिख रहा है ये मुख्य रूप से है इंडोनेशिया, और दुनिया का सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर के बना हुआ यह देश है। लगभग 17,000 द्वीपों से मिलकर के ये बना हुआ है। तो अभी तक जो इंडोनेशिया की राजधानी थी वह इस आइलैंड पर थी, ये जो आपको आइलैंड दिख रहा होगा जावा आइलैंड इसे कहते हैं, और यहाँ पर इसकी राजधानी है जकार्ता। तो वैश्विक ग्लोबल परिवर्तन के कारण, जो पूरा वैश्विक तापमान में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और इसके कारण इनकी ये राजधानी डूबने के कगार पे है। और इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वह भी समाप्त हो रहा है और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है जकार्ता में, इसीलिए अब ये अपनी राजधानी इस द्वीप पर शिफ्ट करेंगे। ये है कालीमंतान और यहाँ पर ये शिफ्ट करके अपनी नई राजधानी बनाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत द्वारा सिंगापुर और मालदीव के बाद किस अन्य देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
यानी कि भूटान में भारत के द्वारा सिंगापुर और मालदीव के बाद में भारत में बना रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे और उसी दौरान इन्होंने रुपे कार्ड को यहाँ पर लॉन्च किया है। अब रुपे कार्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भारत का पहला स्वदेशी कार्ड है और 2012 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग NPCI कहते हैं, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो भारत के अलावा सिंगापुर, मालदीव और भूटान में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर हम लोग कार्डों के बारे में बात करें तो रुपे कार्ड के पहले आपने बहुत सारे कार्ड देखे होंगे, अभी भी देखे होंगे, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, माइस्टो हो गया, तो ये मुख्य रूप से सारे अमेरिका के कार्ड हैं। और जब किसी विदेशी कार्ड से आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका कुछ चार्ज उस देश को देना पड़ता है जिस देश का ये कार्ड होता है, यानी कि इस कार्ड की कंपनी को देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है ये स्वदेशी है, तो अब ये जो पेमेंट देना होता है ये NPCI को दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस जगह पर एक बंकर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मुंबई में एक बंकर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो अगर हम लोग इस म्यूजियम के बारे में बात करें तो 15,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया है और ये मुख्य रूप से नौसेना के इतिहास पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न है कि जल किरण अभी हाल ही में समाचारों में है, यह क्या है। तो ऑप्शन इसके लिए आपके सामने दिए गए हैं और ये मुख्य रूप से एक अतिथि ग्रह है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब अभी जब हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुंबई पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने बंकर संग्रहालय के अलावा एक राष्ट्रपति अतिथि गृह का भी उद्घाटन किया है वहां के राजभवन में। तो रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये मुख्य रूप से जब हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुंबई के लिए जाएंगे तो ये इसी राष्ट्रपति अतिथि गृह में रुकेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश के द्वारा नेशनल इसेंशियल डायग्नोसिस लिस्ट को बनाया गया है। तो इसके लिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत के द्वारा अपने देश का पहला नेशनल इसेंशियल डायग्नोसिस लिस्ट को बनाया गया है। अब अगर हम लोग इस लिस्ट के बारे में बात करें तो इसका निर्माण किया गया है ICMR के द्वारा। WHO के द्वारा मई 2018 में पहली लिस्ट दुनिया की जारी की गई थी। और अगर हम लोग इस लिस्ट के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से एक ऐसी लिस्ट है जिसमें आपको डिसीज़ के बारे में दिया गया है, किस प्रकार के सिम्पटम होते हैं, यानी कि किस प्रकार के उस डिसीज़ के लक्षण होते हैं, किस प्रकार से आप उसका पता लगा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेडिकल डिवाइसेज होती हैं, ये सारे इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। क्योंकि WHO ने जब 2018 में ये जारी किया था तो उस समय उन्होंने ये बताया था कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी समय पर जाँच ही नहीं हो पाती है और जब तक जाँच नहीं होगी तब तक उसका सही से इलाज नहीं होगा। तो मुख्य रूप से गाँव से लेकर के शहर तक जो बीमारी होती है उनके लिए डिवाइस और सुविधा इसमें बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा होगा बिहार में चमकी बुखार के बारे में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी किसी ने इसके बारे में सही से पता नहीं लगा पाए कि आखिर में क्या कारण है कि चमकी बुखार से लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ लोगों ने लीची कहा, कुछ ने अन्य कहा, कुछ ने बारिश कहा, कुछ ने गंदगी के बारे में कहा, तो इसके बारे में कोई डिटेल में आइडिया नहीं था। तो इसीलिए ये लिस्ट बनाई गई है और इसमें आपको सारे जो डिसीज होंगे उनके लिए मेडिकल डिवाइसेज क्या है, किस प्रकार से उनका डायग्नोसिस किया जाएगा, इसके अलावा किस प्रकार की दवाइयाँ यूज़ की जाएंगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया रग्बी कप 2019 का खिताब जीता है। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि युगांडा ने हाल ही में विक्टोरिया रग्बी कप 2019 का खिताब जीत लिया है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो आयोजन इसका हुआ है युगांडा में। अफ्रीका के चार देश केन्या, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे इसमें प्रत्येक वर्ष हिस्सा लेते हैं और फाइनल मुकाबले में यहाँ पर युगांडा ने जाम्बिया को 38-22 से हरा दिया है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ा करके 27% किया गया। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है इसे बढ़ा करके अब 14% से 27% कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये सारी घोषणाएँ वहाँ के जो CM हैं उनके द्वारा की गई 15 अगस्त के अवसर पर। तो इन्होंने क्या किया कि आरक्षण को बढ़ा दिया है, अब
अगर आप लोग छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो एसटी को यहाँ पर 32% आरक्षण मिलता है, एससी को यहाँ पर 12% मिलता है और ओबीसी को 27%, तो कुल आरक्षण यहाँ पर हो जाएगा 72%। और अगर हम लोग आर्थिक वर्ग का जो आरक्षण है 10% उसको भी शामिल करें तो यहाँ पर आपको पूरे देश में सबसे ज़्यादा आरक्षण देखने को मिलेगा, यानी कि 82% आरक्षण। सोचने वाली बात है और शायद सरकारों को इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि 100 में से 82% आरक्षण वाकई बहुत ही ज़्यादा होता है। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु में देश में सबसे ज़्यादा आरक्षण है, 67% आरक्षण। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय भी दे रखा है कि किसी भी कीमत पर जो आरक्षण है वह 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक नए जिले का भी निर्माण किया गया है छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है गौरेला पेडरा मरवाही, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, और बिलासपुर जिले से इसका निर्माण किया जाएगा और इसके अलावा 25 नई तहसीलें भी बनेंगी। तो यहाँ पर आपके सामने मैप है छत्तीसगढ़ का और ये है बिलासपुर जिला, जिससे अलग होकर के गौरेला पेंड्रा मरवाही नामक नया जिला यहाँ पर बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिलों की संख्या हो जाएगी 28। इससे पहले तमिलनाडु में 4 नए जिले बने पिछले 2 महीनों के अंदर और अब वहाँ पर कुल जिलों की संख्या है 37। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो करंट है वो समाप्त होता है। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे और कल बहुत सारे लोगों ने इसके उत्तर दिए और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया सारे उत्तर का रिप्लाई देने में। तो पहला प्रश्न था कि तिरूर पान के पत्ते के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है, तो ये मिला है केरल को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को ताहलो पुआन फैब्रिक के लिए जीआई टैग दिया गया, तो ये मिला है मिजोरम को। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एमवी नायडू कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो ये गए हैं 3 देशों की यात्रा पर, लातविया, लिथुआनिया और इरिट्रिया, और ये तीनों हमारे बाल्टिक नेशन हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 9 वर्ष के अद्वैत भारतीय ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है, तो इन्होंने की है अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर। पांचवा हमारा प्रश्न था कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर इसका होगा बजरंग पुनिया और इसके अलावा दीपा मलिक, इनके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब आज के वीडियो में आपके लिए प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में मंगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस पत्रकार को प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा हमारा प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा ऑनलाइन भूमि राजस्व भुगतान सिस्टम लॉन्च किया गया। चौथा हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेकंड नाइट किसके द्वारा लिखी गई है। और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको सही सही और ईमानदारी के साथ में कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है। देखिए कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं समझाता नहीं हूँ, तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के लगभग 20 प्रश्न होते हैं और अगर मैं एक प्रश्न को कम से कम 2 मिनट का टाइम दूँ तब भी पूरा डिस्कशन करने में 40 मिनट लग जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वीडियो को 15 मिनट तक रखा जाए, 10 से 15 मिनट, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि सारी चीज़ों को डिटेल में बताया जाए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूं, जैसे कि 20 प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, इसमें अगर आप लोग किसी टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके उसके बारे में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग से 5 से 6 मिनट का वीडियो या 6-7 मिनट का वीडियो एक अलग उस टॉपिक के ऊपर अपलोड करूं, जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में और बेहतर ढंग से क्लियरिटी हो जाए। यूनेस्को की साइट की शुरुआत हमें करनी है लेकिन वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाती है, इसीलिए मैं उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहा हूं। तो कोशिश करूंगा कि आगे से मैं इसकी शुरुआत कर सकूं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।